कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। बोलते आने यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार मकदम करता हूं। जितने भी नाजरीन पूरी दुनिया से जुड़ गए हैं दोस्तों, दिस इज अ प्रोग्राम डेडिकेटेड टू द बोलते आने यूट्यूब चैनल, टू ग्लोरियस ईयर्स ऑफ बोलते आने। 2 साल पूरे हो गए आज के दिन और इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय दैट बोलते आने यूट्यूब चैनल इज शेयरिंग विद यू। मैं प्यारे प्यारे दोस्तों का एक बारी फिर से स्वागत करता हूं। तमाम नाजरीन जितने भी जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हमने 2 साल पहले बोलते आने यूट्यूब चैनल को शुरू करा था और आज 14 अप्रैल है, यानी बैसाखी का दिन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की हम जन्मदिन भी मना रहे हैं। दोनों बड़े कामों के साथ तीसरा बोलते आने यूट्यूब चैनल के 2 glorious साल हो गए हैं। इन तमाम बातों के साथ, पूरे गुलदस्ते के साथ मैं आपका पुनः एक बारी स्वागत करता हूं। ठीक 7 बज चुके हैं, शुक्रवार है। हर शुक्रवार को पिछले 2 सालों से बोलते आने यूट्यूब चैनल अपनी एक स्ट्रीम करता है, एक वीडियो, और जिसमें हम सेलिब्रिटीज को बुला के उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम जो कि बोलते आने यूट्यूब चैनल की है, इस पे पिछले 2 सालों से, बल्कि 2.5 साल, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब बना रहे थे उससे पहले हमारा बहुत होम टास्क जो घर का काम होता है वो कर रहे थे, क्या क्या कॉन्सेप्ट बनेंगे, विजुअलाइजेशन, और इसको बनाते बनाते 6 महीने लग गए। फिर 2 साल हमारी सीधी हमारी जो वीडियोज आती गई हैं उसको हम स्ट्रीमिंग करते हैं। उन तमाम बातों के लिए मैं अपने साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऐसी शख्सियात का जो कि सेलिब्रिटीज हैं और उन्होंने इंटरव्यूज दिए, और इंटरव्यूज बहुत हम पहले से ले लेते थे और उसकी एडिटिंग होती थी। एडिटिंग के करीबन 3-4 हफ्तों के बाद या 1 महीने के बाद अच्छी पब्लिसिटी के साथ हम ये स्ट्रीमिंग ऑफ वेरियस इवेंट्स को हम करते थे। इसके साथ पूरी टीम बोलते आने की रात दिन लगी रही। मैं साथ में अपने जितने भी दर्शक हैं, नाजरीन हैं वर्ल्ड ओवर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम नाजरीन ने बहुत इस पर हमारा साथ दिया है। हम YouTube चैनल को जब भी खोलते हैं बोलते हैं इन्हें, तो उनके बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं, इनकरेजिंग और इंस्पिरेशनल उनके, और बहुत ही उत्साहवर्धक उनके पैगाम आते हैं, उनको मैं बहुत बहुत सराहता हूँ इस वक्त। और इस आज के दिन को जो कि हम कह रहे हैं कि 2 साल 2 years जो हमारे हो गए हैं ग्लोरियस ईयर्स, इसको सेलिब्रेट करते हैं, आज एनुअल डे है, इस पे एक बारी मैं आपको दिल से बहुत बहुत तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। बोलते आने यूट्यूब चैनल हैज बीन रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग कन्वर्सेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेलिब्रिटीज फ्रॉम द डोमेन ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, पोएट्री, लिटरेचर, एजुकेशनल एंड ह्यूमन वैल्यूज। बोलते आने टीम
has been interviewing and streaming episodes on regular basis, that is on each Friday for the past 2 years, and thereby creating a preserving database of living celebrities, which is going to play a pivotal role on propagating and promoting soft power of Indian subcontinent. Soft power means Hindustani Mushtarka Tehzeeb, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब भी बोलते हैं, या मिली जुली सभ्यता जो है हमारी सिविलाइजेशन है, बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम लेकर चले, और ये विरासत और सरमाया जो है ये एक हार्मनी पीस जॉय पूरी दुनिया में उसका मैसेज देता है। दोस्तों, इस खास मौके पर मैं बोलते हैं यूट्यूब चैनल का बहुत खैर मकदम करता हूं, और जिस तरीके से बताया कि 14 अप्रैल के इस खास तारीख जो कि बैसाखी का दिन है, इसको जश्न को मनाने के लिए हम पूरी टीम इस वक्त जुड़ चुके हैं आपके साथ, और इस खुशी के मौके पर मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि बोलते हैं यूट्यूब चैनल के जो एडवाइजर हैं प्रोफेसर इरशाद अहमद, जो ना सिर्फ एडवाइजर बल्कि हमारी पब्लिसिटी जो हमारी कमेटी थी बोलते आने की, उसके चेयरमैन भी रहे हैं, आपने लगातार इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करा, पोस्टर्स बनाए, और ये जिम्मा उठाया कि तकरीबन एक महीने पहले कोई भी स्ट्रीम करते थे हम एपिसोड, उसकी पब्लिसिटी लगातार करते रहे। तो इस खुशी के मौके पर मैं प्रोफेसर इरशाद अहमद खान को जोड़ने की कोशिश करता हूं, और मैं इस वक्त देख रहा हूं कि लिंक मिल गया है, और प्रोफेसर इरशाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आइए 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 सर, आप मालेरकोटला पंजाब पटियाला के साथ है उस जुड़ गए हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा प्रोफेसर साहब कि आप अपना कोई ऐसा मैसेज शेयर कीजिए जो कि 2 साल जो ग्लोरियस ईयर्स हुए हैं हमारे बोलते हैं यूट्यूब चैनल के, उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए प्लीज। शुक्रिया डेविड साहब, आज 14 अप्रैल का दिन हम सबके लिए बाज से फखर, बाज से खुशी और बाज से सुकून भी है। मुझे 16 अप्रैल का 2 साल पहले का वो दिन भी याद आ रहा है जब बोलते आईने का पहला एपिसोड YouTube पर नशर हुआ था। उससे पहले की सब काविशें, सोच, मेहनत और तैयारी भी याद है। चैनल का नाम चुनना, लोगो का डिजाइन, शो का फॉर्मेट, किस कलाकार से चैनल का आगाज किया जाए, सब कुछ याद है, क्योंकि मैं डेविड भाई के साथ इस सारी कोशिश का एक अदना सा हिस्सा रहा हूं, जिस पर मुझे आज फख्र हो रहा है। 2 साल का वक्त पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गया। आज हम दूसरी सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन ये 2 साल का अरसा हम सबको अदब, सकाफत, म्यूजिक, थिएटर, आर्ट, एजुकेशन की दुनिया को एक अजीम खजाने से मालामाल कर गया। नए आयाम, नए रास्ते, नए काफले, नए कारवां, नई मंजिलें वजूद में आईं। बोलते आईने के जश्न सीरीज में अजीम फनकारों को खराज अकीदत पेश किया गया, जिन्हें आज भी हम बहुत याद करते हैं। स्पेशल एपिसोड्स में कुछ नए मसाइल, कुछ नई और मुनफरिद हस्तियों से मुलाकात हुई, और 100 से ज़्यादा दूसरे एपिसोड्स हुए, और अभी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। डेविड साहब को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। उनकी सोच, रिसर्च और अंदाज बेशक इम्तियाजी है। इस सफर में बहुत से लोगों ने भरपूर तावन दिया और बोलते आने को एक नायाब चैनल बना दिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करता हूं कि ये सफर यूं ही चलता रहे, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इरशाद साहब, आपने बहुत हमारा साहस बढ़ाया, और
लगातार आपके 2-2.5 साल बोलते आने यूट्यूब चैनल के साथ बड़े ही खूबसूरत बीते हैं अभी तक, और आगे भी ऐसे होता रहेगा। अब मैं दोस्तों इस वक्त लिंक कर रहे हैं हम इस लाइव सेलिब्रेशन जो हमारी 2 साल की चल रही है, ग्लोरियस 2 ईयर्स अब बोलते आने यूट्यूब चैनल, जो एडिटिंग हुई है हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स की, वो एक बड़ी मेहनत का काम रहा है। और इसके जो चीफ एडिटर जो रहे हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लेकिन उससे पेशतर मैं बता दूं कि उनकी टीम के साथ कई लोगों ने काम करा। एक समीप चार्ल्स डेविड साहब हैं, और उनके साथ सोफिया और अंजलि नायर, इन सब ने मिलकर बहुत काम करा है। लेकिन जो पूरा जो बीड़ा उठा रखा था तमाम चीफ एडिटिंग का, वो हमारे समस्तीपुर, एक जगह है बिहार में, ईस्टर्न यूपी बिहार में, ईस्टर्न इंडिया में, वो इस वक्त जुड़ गए हैं श्री मंगलेश कुमार जी, जो एक पेशे से म्यूजिक टीचर हैं, और अपनी खिदमत उन्होंने बोलते हैं यूट्यूब चैनल के लिए मुसलसल लगातार 2 साल से करी है। मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ। आइए उनसे भी पैगाम लेते हैं। मंगलेश जी आइए बताइए कुछ। आदरणीय डेविड गुरु जी, आपको कोटि सह प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। बोलते आईने अब एक नाम नहीं, अपने आप में एक ब्रांड बन गया है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतने बड़े अभियान का एक बहुत ही छोटा हिस्सा रहा हूँ, लेकिन ये सभी काम मेरे लिए तब आसान हो गया जब समय समय पर आदरणीय डेविड सर का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। वीडियो एडिटिंग के कामों में मुझे नेटवर्क की वजह से कई बार अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन बस किसी तरह काम होता गया और कारवा आगे बढ़ता चला गया। बोलते आईने अब किसी परिचय और पहचान का मोहताज नहीं है। बोलते आईने सचमुच एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। एक बार पुनः आदरणीय डेविड सर को धन्यवाद देते हुए मैं उनसे पूरी टीम की तरफ से आग्रह करना चाहूँगा कि इस कारवा को यूं ही बरकरार रखने की कृपा करेंगे, और इन कामों में बोलते आईने की पूरी टीम आपके सहयोग के लिए पलके बिछाए खड़ी मिलेगी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। एक बार पुनः आदरणीय डेविड गुरुजी को प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच मंगलेश कुमार जी, और उनकी पूरी टीम को हम फिर से एक बार धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों अब ये वो वक्त आ गया है जब हम जश्न को एक हकीकत में आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि 2 साल की हमारी कामयाबी रही है, और काफी लोग इसमें बड़े आर्टिस्ट आए और एजुकेशनिस्ट आए, अपनी प्रोग्राम उनके हमने गुफ्तगू रिकॉर्ड करके एडिट करके आपको सुनवाई। कुछ लोग हमारे हमने जो कुछ आर्टिस्ट हैं उनको हमने साथ लिया है, और आज की शाम वो जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, और उन सब से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो तैयार हैं और कि वो अपने कुछ पैगामात हमसे शेयर करें कि उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे और ये किस तरीके से उनको लगा कि बोलते आने यूट्यूब चैनल जो है उनके जो लाइफ को हमने सेलिब्रेट करा है, और उनके जो कि एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने शेयर किए हैं वो तमाम नाजरीन के किस काम आएंगे, ये इसको आप जरूर बताइएगा। तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इस वक्त उस्ताद सईद खान, जो कि बड़े मशहूर सितार वादक हैं और दरागंज दिल्ली में हैं और बहुत माने हुए एक अच्छे कलाकार के साथ एक बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़े तजर्बा है हमको बजाने का, और जब शुरू में हमने
बोलते आ रहे यूट्यूब चैनल 2 साल पहले शुरू किया था, शुरू की स्ट्रीमिंग में आपकी एक एपिसोड बड़ी मशहूर हुई थी, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ उस्ताद सईद खान साहब, आइए अपने पैगाम को शेयर कीजिए बोलते हैं यूट्यूब चैनल, और इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ छोटा सा आप एक टुकड़ा बजा के भी दिखाइएगा उस्ताद सईद खान। आदाब, गुड इवनिंग। मैं बोलते आईने के सभी सुनने वालों को आदाब पेश करता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ बोलते आईने के अंदर। ये बहुत ही बड़ा एक प्रोग्राम अपने अंदर एक बहुत मायने रखता है, पूरा इंटरनेशनल फेम हो चुका है ये, और इसमें बड़े दिग्गज लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत किस किस के नाम बताऊंगा, बहुत बड़े बड़े फनकार इसमें आए हैं, और इसके जो सब कर्ता धर्ता हैं वो मेरे दोस्त सैमसन डेविड साहब हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी मेहनत के बाद इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है। तो मेरा मन है कि इसके अंदर मैं भी कुछ, आज 14 अप्रैल है, इसकी सेकंड एनुअल सेलिब्रेशंस है, तो मैं भी कुछ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मैं अपना प्रोग्राम जो है राग मिश्र खमाज से थोड़ा सा बजा के, और फिर आपको एक दो शेर भी सुनाऊंगा। तो आज मैं इसको प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सूरज को निकलने में जरा देर लगेगी, इस रात को ढलने में जरा देर लगेगी। जब
सुनाया था मेरे जब तूने छुड़ाया था मेरे हाथ से दामन, अब मुझको संभलने जरा बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद सईद खान साहब, बहुत ही खूबसूरत आपने बजाया और बड़ा अच्छी तरीके से आपने अपने जो पेशकश की और एक मैसेज दिया। अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वक्त प्रोग्राम या जश्न को मनाते हुए मैं अगले जो कि एक प्रोग्राम के लिए मैं दावत दे रहा हूँ, प्रोफेसर नीरज गांधी, एक बड़े मशहूर गजल संगर हैं और इस वक्त कांगड़ा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नीरज साहब आइए, अच्छा ये बताइएगा कैसा मौसम है वहां पर, ये भी बताइएगा। और आपने बहुत अच्छी अच्छी गजलें गाई हैं, तो मेडिसन साहब को तो खासकर आप काफी अच्छे तरीके से गाते हैं, कुछ एक गजल भी जरूर सुनाइएगा प्रोफेसर नीरज गांधी। हालांकि मौसम बड़ा खुशगवार है और हसीन है, लेकिन क्या है कि एक सुबह से मेरा मूड बना है जिस राग का, जिस रंग का, तो वो बस मैं वही गजल सुनाता हूँ। थोड़ी गमगीन है, पर क्या है कि इसकी कंपोजिशन जो है वो बेहद खूबसूरत, कि मेरी तरह सरे महफिल उदास था वो भी, और किसी ने हाल जो पूछा तो रो दिया वो भी। देखिए क्या कंपोजिशन बनाई है, तो मैं पेश करता हूँ। और मेरे साथ मेरा बेटा जो है वो गिटार बजा रहा है, और तबले पे मैं लूप रख लेता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई इस वक्त मौजूद नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेरी तरह तेरे महफिल उदास था
रो दिया मेरी तरह मेरी तरह निरा पानी दगम गनी सपनी मेरी तरह पव गम पम गम गनी सपनी दगम गम मेरी तरह सनि पम पम गम गनी सपनी दगम गेरी तरह कदे मेह बिल उदास कितने हाल रो दिया मेरी तरह रो दिया सितार से शुरू करा, फिर हम गजल पे आ गए। अब कुछ छोटी सी एक शायरी और एक मशहूर शायर हैं जॉनी फॉस्टर साहब, जो कि अलीगढ़ में रहते हैं और बड़ा नाम है आपका, पूरी दुनिया में आपकी शायरी को जाना जाता है। बड़ी आपने उस पे आपको काफी तारीफें हुई हैं
पूरी दुनिया में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप रहते थे और पढ़ाते थे, और उसके रिटायरमेंट के बाद आजकल आप फ्रीलांसिंग शायरी कर रहे हैं। तो आइए आपको हम जोड़ते हैं, और आप भी बोलते हैं यानी यूट्यूब चैनल के एक एपिसोड में अपीयर हुए थे, तो प्लीज आप गाते भी बहुत अच्छा है, और आप अपने जो मैसेज को पैगाम को आप प्लीज शेयर कीजिएगा। जॉनी फॉस्टर साहब, सभी को मेरा आदाब नमस्कार। एक बहुत खूबसूरत सफर हम सभी लोगों ने AIU और उससे जुड़े यूथ फेस्टिवल के जरिए किया है, और ये सिलसिला अभी भी जारी है, और बहुत सारे अदीब, बहुत सारे मौसिकार और फनकारों से इस दौरान दोस्तियां हुई, मोहब्बत और भाईचारे की बात हुई, और इसमें ख़ास तौर से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जनाब सैमसन डेविड साहब का, जो एक बीच की कड़ी थे पूरे हिंदुस्तान को, जो फेस्टिवल में सारे फनकार और जजेस का जमावड़ा होता था, उसमें एक बहुत नुमाया रोल डेविड साहब का रहा है। और अब पिछले तकरीबन 2 साल से एक नया सिलसिला बोलते आईनी की शक्ल में सामने आया है, मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद, और मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत सारे नए और पुराने अदीबों से और मौसिकार से, शायरों से और तमाम ललित कलाओं से जुड़े लोगों से हम लोग रूबरू होते हैं। मेरी जानिब से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शेर के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आप सभी को प्यार भरा सलाम। अर्जी किया है कि खुदा ने दी है जो हमको वही पहचान रहने दो, खुदा ने दी है जो हमको वही पहचान रहने दो, हम इंसान हैं फकत इंसान, हमें इंसान रहने दो, हमें इंसान रहने दो। सभी लोग अपना ख्याल रखें और मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। आदाब नमस्कार। क्या बात है जॉनी साहब, वाह वाह वाह, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने पैगाम को रखा, और साथ में जाते जाते एक जो शेर बोला है आपने वो कमाल है, वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वक्त हमारा जश्न जो हो रहा है, 2 साल मुकम्मल जो हो गए हैं हमारे ग्लोरियस ईयर्स बोलते आने की, और एक अब हम गायकी की तरफ फिर से मुड़ते हैं। एक हमारी एपिसोड स्ट्रीम हुई थी जो जश्न आशा भोसले जी के नाम से, उस में नागपुर से एक बहुत अच्छे सिंगर मिस भाग्यश्री ने पार्टिसिपेट करा था, तो मैं गुजारिश करता हूं, इस वक्त जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं भाग्यश्री जी को मैं नागपुर से, तो नागपुर से आइए देखते हैं। भाग्यश्री जी जो हैं वो SNDT यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट वोकल में रही हैं, और इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि AIU कराता है, और सॉफेस्ट उसमें भी आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, और इंडियन आइडल जो मराठी के उसमें भी आप विनर रही हैं। तो आशा जी की गजल जो आपने गाई थी भाग्यश्री जी, जो हमारे बोलते हैं के जश्न बोलते हैं, वो एक छोटा सा आप उसको भी गुनगुना के दिखाएगा अपने मैसेज के साथ, प्लीज भाग्यश्री जी। जी सर, थैंक यू। नमस्कार सभी को, प्रणाम। मैं भाग्यश्री टिकले आप सभी के साथ नागपुर से जुड़ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलते आईने को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी, क्योंकि आज उनकी दूसरी सालगिरह है, और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि 2 साल मैंने भी बोलते आईने में आशा जी के गाने गाए हैं, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है सैमसंग सर की वजह से। सो थैंक यू सो मच सर मुझे ये मौका देने के लिए। बोलते आईने ने हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, उन्होंने अपनी कला बोलते आईने के मंच पे पेश की है, और उनके वजह से हम सभी को वो एक ही स्टेज पे सुनने को मिले, तो ये हमारा भी सौभाग्य है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक उन्होंने जैसा योगदान दिया है वैसे वो आगे भी देते रहेंगे। और आज इस खुशी के मौके पर मुझे लगता है कि मैं आपके लिए
दो लाइन गुनगुनाना चाहूंगी। आशा जी की गजल है करो ना याद मगर, जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, तो मैं आज वो गजल आप सभी के लिए पेश करना चाहूंगी। वाह, बहुत ही खूबसूरत आपने आशा भोसले जी की ये गजल को गाया। थैंक यू वेरी वेरी मच भाग्यश्री जी। दोस्तों, पूरे भारत का हम भ्रमण कर रहे हैं और इस वक्त हम लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है और सांस्कृतिक एक राजधानी है, और लखनऊ में डॉक्टर पंडित खुशी राम साहब, जो कि प्रसिद्ध पखावज वादक हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत खूबसूरत भाषा बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और आपकी जो एपिसोड हुई थी बोलते हैं ने, बहुत मशहूर हुई। आइए हम उनको जोड़ते हैं अपने साथ, उनसे गुजारिश ये करेंगे कि वो बताएं कि बोलते आईने यूट्यूब चैनल में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारे जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं बोलते आईने के, उन पे थोड़ा प्रकाश जरूर डालें प्लीज। डॉक्टर पंडित खुशी राम साहब। जय मृदंग। सैमसन साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको बोलते आईने की तीसरी वर्षगांठ के आरंभ के लिए। दो साल बहुत उम्दा तरीके से आपने साहित्य, संगीत और कला, सब आर्टिस्टों को जोड़ के बोलते आईने में एक सुंदर सांस्कृतिक गुलदस्ता बना दिया, जिसकी महक पूरे सांस्कृतिक जगत में फैल रही है। हर आदमी की चाहत है कि बोलते आईने में हमारा इंटरव्यू। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी एक चाहत रख रहा है कि हाँ, बोलते आने में डेविड साहब हमको बुलवाएं और हम अपनी जीवन की दास्तां को कहें। आपका कहने का अंदाज इतना खूबसूरत है, न चाहते भी आदमी तो आपको आप निकलवा लेते हैं। एक लाइन बोलेंगे, अगर नहीं बोल रहा है तो आप उसमें ऐसी बात करेंगे कि वो अपने आप की खुद ही अपनी दास्ता कहने लग जाएगा। उसके दिल की बात जैसे जान जाते हैं, अंतर में हम ही है क्या आप। खैर, कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत मुबारक बधाई बोलते आईने के लिए। और एक चीज और कहेंगे, बोलते आईने में और बीच में अभी फिर याद आ गया कि इतना उमदा मौका कि वैसाखी भी है और अंबेडकर जयंती भी है, ये शुभ मुहूर्त तो है ना तीसरे साल में बढ़ने का। ये तीसरा साल और नए नए
कीर्तिमान स्थापित करे, ये हमारी कामना है और उस मालिक से दुआ है। इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं, बीच में हम इधर घूम गए थे कि एक तरह से आप एक आर्काइव का काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आप एक तरह से उनकी तैयारी में साधक हो रहे हैं। वो बोलते आईने की तरफ देखेंगे तो वो बोलेगा, बोलते आईना बोलेगा कि हमारे पास तो सब है, हमारे पास पखावज भी है, तबला भी है, वायलिन भी है, नृत्य भी है, पेंटिंग भी है, कविता भी है, ड्रामा भी है, क्या नहीं है आपके इस खजाने में? भरपूर खजाना आपने भर दिया है और वो सिर्फ आपको इसका दायित्व जाता है और इसकी प्रशंसा हम करेंगे कि आपने इतना सुंदर संयोजन लोगों को बांधा और लोग बनते चले गए। आप कहते हैं ना हम तो अकेले चले थे, कारवां बनता चला गया, तो कारवां ही तो है ये, वो सांस्कृतिक कारवां बन गया जिसको सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। खैर, बातों की कोई सिलसिला नहीं होता, जितनी दुआएं हो सकती हैं हम इस बोलते आईने के लिए करते हैं और करते रहेंगे क्योंकि इतना अच्छा काम हो रहा है। आपने कहा था बजाने के लिए, तो इस वक्त हमारे पास लहरा भी नहीं है और आप तो जानते हैं बिना लहरे के मूड बनता नहीं। और हाँ, आजकल के जो नए युवा लोग हैं वो ऐप में लहरे में बजा लेते हैं तो हमको तो मदद आता नहीं है, तो फिर बजाना फिर कभी। लेकिन एक चीज और हम कहेंगे कि ये तो हम लोगों की बातचीत से आप तीसरा साल शुरू कर रहे हैं, हमारे ख्याल से पांचवें साल में इसके लिए एक लाइव जलसा करना चाहिए आपको, उसमें सबका सहयोग लेंगे और दो दिन का, तीन दिन का, एक दिन का, जैसा भी आप ठीक समझे, ये हमारी राय है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक लाइफ की तो बात ही अलग होती है। खैर, तो आज तो बजाना नहीं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो हम एक आध फूल देंगे ही इस बोलते आईने के कदमों में। हमने अभी हाल में ही एक रचना बनाई है जिसको हम लोग परन बोलते हैं और वो है आनंद तांडव। भगवान शंकर ने 7 बार तांडव किया और मुख्तलिफ तरीके से, लेकिन पहला तांडव था वो रौद्र तांडव था, क्रोध था, क्योंकि माँ सती भस्म हो चुकी थी, तो उस क्रोध को दिखाने को देखिए शंकर नटेश्वर है ना, तो लय ताल छंदों के आधार पर भी उन्होंने अपने क्रोध को दिखाया। जटाटवी गलत जलप प्रवाह पाइत स्थले गले वलंब लुम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। रौद्र तांडव के बाद शांति हो गई स्तंभ, भगवान विष्णु ने उनको प्रणाम करके रौद्र को रोकने के लिए प्रार्थना की और माँ भगवान शिव समाधि में चले गए। उसी समाधि के बाद सब देवताओं की प्रशंसा करने के लिए करने के बाद, उनको मनाने के बाद, उन्होंने माँ पार्वती दक्षराज की पत्नी, ये पर्वतराज हिमाचल की पुत्री से, माँ पार्वती से विवाह किया और जो रिक्तता आ गई थी श्रृंगार की, क्योंकि रौद्र ने तो सब जला दिया था, तो रिक्तता जो आई उसको पूर्ण करने के लिए, श्रृंगार रस को प्रवाहित करने के लिए माँ पार्वती के साथ युगल नृत्य किया। और युगल नृत्य भी कैसे किया, जातियों में सबसे ज्यादा संगीत में जातियां 5 जातियां हैं, उन 5 जाति में सबसे कठिन जाति है
नौ, एक मात्रा में नौ मात्रा को कहना ही, और उसी उसको संकीर्ण जाति कहते हैं, और नृत्य जो किया वो संकीर्ण जाति में किया हमारे अनुसार। तो ये गुरु कृपा से हमसे रचना बन गई है, और हमने ये नृत्य की नृत्य करते हुए पखावज में वादन के लिए आनंद तांडव की रचना बनाई है, जिसको हम आनंद तांडव परण कहते हैं। तो ये है कि इसकी भूमिका तो हम बता चुके हैं, अब डायरेक्ट हम इसको आरंभ करते हैं। बमक बमक बम बमक बमक बम बमक बमक बम बमाक बम बम बमाक बम बम बमाक बम बम बमाक बमाक बम बमाक बम 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 बमाक बम शिव शंकर सतीपति कैलाशपति गिरिजापति हर 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 विश्वेश्वर कार्तिकेय गणपति पितुशंभु सांब सदा शिव कारक शत्रु विदारक डमरू और त्रिशूल कर धारक महादेव अभयंकर प्रलयंकर कृतकता दान दिकट दादर दिकट कृद दिकट लच दिकट त्रिकृतदान धा त्रिकृतान धा डम 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 डिमि डम 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 रूप जावत पार्वती संग नटत नटेश्वर संगति करत पुष्कर गणपति दे दे देताम दे दे देताम दा दे दे देता दे दे देताम दा देताम देताम देता ठीक दा दे दे देता दुम किट दा दे दे देता दुम किट दा दे दे देता दुम किट दा या छवि निरख राज ताली दे स्तुति गावत मृदंग बजावत सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितां नमामि कत्त दिकट दगट दिकट दगट दान दा दगट दान दा दगट दान दा भवम भवानी सहितां नमामि कत्त दिकट दगट दिकट दगट दान दा दगट दान दा दगट दान दा भवम भवानी सहितां नमामि कत्त दिकट दगट दिकट दगट दान दा दगट दान दा दगट दान दा। अंत में पुनः शमशन साहब आपको बधाई और बोलते आने के लिए शुभकामनाएं। जय मृदंग। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया बताया और एक्सप्लेन किया डॉक्टर पंडित खुशीराम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, इस सेलिब्रेशन को हम आगे बढ़ाते हुए अब अगली पेशकश जो हम करने जा रहे हैं वो एक बहुत मशहूर सिंगर हैं, डॉक्टर अनिल शर्मा साहब। डॉक्टर अनिल शर्मा साहब जो कि जूनियर जगदीश सिंह जी के नाम से काफी मशहूर हैं, बिल्कुल शक्ल भी वैसी, बात भी वैसी, आवाज भी वैसी, एक्सप्रेशन भी वैसा और सुर भी वैसा ही, मिजाज भी वैसा। इस वक्त सीधे जुड़ने वाले में हमारे साथ एक टोंक करके जगह है राजस्थान में, और आपको हम जोड़ते हैं इस वक्त। और डॉक्टर अनिल शर्मा साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा अपने मैसेज के साथ कोई एक गजल भी गा के दिखाइएगा, छोटी सी पेशकश हो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा आपसे मुखातिब हूं। बोलते आईने यूट्यूब चैनल पर अपने 2 साल पूरे करने जा रहा है, और इन 2 सालों में बोलते आईने के मंच पर बहुत बड़े बड़े कलाकार, देश के जाने माने कलाकार, उभरते हुए कलाकार आए हैं और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, और बोलते आईने का हर एपिसोड अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आने वाले समय में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी, मतलब तमाम कलाओं के जो फनकार हैं उनका डाटा बोलते आईने के इस चैनल पर उपलब्ध होगा। और डॉक्टर सैमसन डेविड साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, वो इसके संरक्षक और इंचार्ज और कर्ता धर्ता हैं, और बहुत पुराना मेरा रिश्ता है उनसे, जब मैं स्टूडेंट था और यूथ फेस्टिवल में जब जाया करता था तो वहाँ वो इंचार्ज होते थे, एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के कोऑर्डिनेटर होते थे,
तब से वो मुझे जानते हैं और मैं उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद के नीचे मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है और काफ़ी कुछ काम किया है। मुझे भी सौभाग्य मिला बोलते आईने के एक एपिसोड में अपनी प्रस्तुति देने का। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सैमसन डेविड साहब को और सभी टीम मेंबर्स को, बोलते आईने की पूरी टीम को और सभी कलाकारों को जिन्होंने उसमें अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर मैं आपको चरण सिंह बशर साहब का एक कलाम सुनाना चाहता हूँ जिसे मैंने राग मालकोस में कंपोज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल शर्मा साहब, बेहतरीन गाया आपने, बहुत बहुत थैंक यू। अब प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त आपको हरियाणा ले चलता हूं और हरियाणा में हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त रोहतक में हमारे साथ सीधे जुड़ने वाले हैं डॉक्टर जनार्दन शर्मा साहब। जनार्दन शर्मा साहब प्रसिद्ध अभिनेता हरियाणवी पिक्चरों के और डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, चार यूनिवर्सिटीज के रहे हैं और जो खासकर उनका काम जो है वो MDU रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, काफी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है पूरी लाइफ का। और तकरीबन मैं समझता हूँ 50 साल आपने लगाए हैं आर्ट और कल्चर की सेवा में। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनार्दन साहब कि आप अपना संदेश दीजिएगा और संदेश के साथ एक आपकी जो हमने स्ट्रीम करी थी एपिसोड, उस पे आपने मुंह से कभी कुछ परकशन या तबला या कुछ ढोल सा भी बजाया था, चलते चलते वो भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं जनार्दन शर्मा सर्वप्रथम आज बैसाखी के पावन त्यौहार की आप सभी को शुभकामनाएं और साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर जी के जन्मदिन की भी आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है क्योंकि YouTube चैनल पर हमारे बहुचर्चित बोलते आईने सीरियल 2 साल पूरे कर रहा है और हम आज शुक्रवार के दिन ही बड़े ही हर्षोल्लास के साथ
दूसरी वर्षगांठ का उत्सव मना रहे हैं। बोलते आईने अर्थात भारतीय कला विभूतियों की मधुर यादें, कला की गहन साधना, उत्कृष्ट उपलब्धियां, सार गर्भित विचार, इसमें सब कुछ समाहित है। भारतीय कला विभूतियों, चाहे वे संगीत गायन वादन में हो, नर्तन में हो, नाटक में हो, उनकी गहन साधना से अर्जित, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। हमारा बोलते आईने सीरियल भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। और इसके लिए यदि हम डॉक्टर सैमसन डेविड जी को श्रेय दें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इस अवसर पर, हर्षोल्लास के इस अवसर पर, मैं यूनिफेस्टियन परिवार के सभी प्रिय सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि हमारा बोलते आईने सीरियल भविष्य में भी इसी प्रकार उन्नति करता रहे, चलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। मोक आइटम आपके सामने तबला की मैं दे रहा हूं मुंह से बजा करके। थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर जनार्दन शर्मा साहब, बहुत बहुत ही बेहतरीन आपने मैसेज दिया। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर से दिल्ली की तरफ चलता हूं और सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते हुए इस वक्त मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं इस सेलिब्रेशन में अपने साथ उस्ताद अलीम खान साहब, जो कि बहुत मशहूर एक वायलिनिस्ट हैं, दुनिया भर में उन्होंने बजाया है, बड़े बड़े लोगों के साथ संगत भी करी है। दिल्ली से इस वक्त आप जुड़ गए हैं, उनका एक मैसेज, और जब इन्होंने एक एपिसोड जो हमारे साथ बोलते हैं कि करी थी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने पेश करी थी, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एक मैसेज के साथ एक अपना कुछ एक छोटा सा टुकड़ा हमारे सामने वायलिन पे पेश करें, मजा आ जाएगा। आपके समक्ष एक बहुत खूबसूरत दादरा पेश करने जा रहा हूं, जिसके बोल हैं मार डाला नजरिया मिला के। ये बहुत पुरानी कंपोजिशन है जो कि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बजाया है, वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, मुलायजा फर। ये राग पहाड़ी मिश्र पहाड़ी में। Thank you.
थैंक यू सो मच उस्ताद अलीम खान साहब। दोस्तों, इस वक्त मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ हैदराबाद से डॉक्टर वंजा उदय। डॉक्टर वंजा उदय एक बड़ी मशहूर नृत्यांगना है कुचिपुड़ी की, और एक यूनिवर्सिटी में आप तेलुगु पीएस तेलुगु यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, वहाँ आप डांस की प्रोफेसर हैं। तो काफ़ी बिजी रहीं क्योंकि इनके दौरे कभी फॉरेन में लग रहे हैं इस वक्त, कभी कहीं लग रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि इस वक्त जोड़ के एक छोटा सा मैसेज ज़रूर दें हमें। तो डॉक्टर वंजा उदय, प्लीज़ अपना एक मैसेज ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार सभी दर्शकों को। बोलते आईने अप्रैल में अपने 2 वर्ष पूरे होने करने जा रहा है। इस पर मैं सैमसन डेविड सर को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ कि 2 वर्ष बस ऐसे बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। और बोलते आईने जो यूट्यूब चैनल पर जो ये जो प्रोग्राम आ रहा है, दिस इज़ बीइंग कवर्ड बाय ऑल आर्टिस्ट है, इसमें एजुकेशनिस्ट है, सारे तरह के आर्टिस्ट को उन्होंने दिया है। और सैमसन डेविड सर का ये ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है इस बोलते आईने सीरीज़ को हम सबके सामने लाने के लिए। और सैमसन डेविड सर के बारे में हर कोई जानता है, बस मैं अपनी दिल की बात उनके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनके लिए एक शब्द कहना चाहती हूँ कि न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में और कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफ़र जारी है। वो कई ऐसे नए नए प्रोग्राम करके सारे लोगों को इनक्रेज कर रहे हैं। आई विश सैमसन डेविड सर एंड हिज टीम ऑल द बेस्ट फॉर द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ बोलते आईने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वंजा उदय जी फॉर योर ब्यूटिफुल मैसेज। दोस्तों, मुकर्रर रखते हैं हम आज की शाम के इस सेलिब्रेशंस का, जो कि बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल के 2 साल मुकम्मल होने पर हो रही है। और इस सेलिब्रेशन के लिए अगले जो आर्टिस्ट को हमने बुलाया, एक मैसेज के लिए, एक डॉक्टर कुमार ऋषितोष, तबले पे कई किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर थे, तबला सिखाते थे, और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं ये प्रोग्रामों के। आइए हम उनसे कोई एक विशेष मैसेज जो कि देना चाहते हैं। दिल्ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं और इस वक्त जुड़ चुके हैं जी। डॉक्टर कुमार ऋषितोष, प्लीज अपना मैसेज दीजिएगा। आप सभी को सादर प्रणाम, मैं कुमार ऋषितोष आप सभी का इस मंच से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही पावन दिवस है, आज वैशाखी उत्सव है, और आज ही के दिन भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, और आज ही के दिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सभी के प्रिय डॉक्टर सैमसन डेविड साहब ने बोलते आईने चैनल के माध्यम से कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में सांस्कृतिक संरक्षण, संवर्धन एवं ज्ञानवर्धन हेतु दिव्य प्रज्वलित किया था, जिसके आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, और यह अभी तक विभिन्न कला, साहित्य एवं संगीत के विद्वानों की ज्ञान दीप से निरंतर प्रज्वलित हो रही है। मुझे भी खुशकिस्मती है कि इस मंच पर अपने विचार साझा करने का मौका मिला, जिसका कई लोगों ने सुना और सराहा है। यह चैनल अपने आप में रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन बेस बन गया है, जो आने वाले शोधार्थियों के लिए भी यह अनमोल धरोहर के रूप में संरक्षित रहेगा। इस पुरस्कार कार्य के लिए डेविड साहब और बोलते आईने टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। चूंकि तबला वादन मेरी विधा है, इस खास अवसर पर मेरे द्वारा रचित बोलते आईने, बोलते आईने।
धन्यवाद आपका बहुत बहुत डॉक्टर कुमार शितोष जी फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। आप दोस्तों हमारा काफी कवर हो गया आज का प्रोग्राम और आप लुत्फ उठा रहे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे इस पे सेलिब्रिटीज भी आए और दो साल का जश्न जो हम मना रहे हैं, जश्न बोलते आने या टू ग्लोरियस ईयर्स जो हमारे अभी गुजरे हैं बोलते आने के, तो आज एक खास अंक हम आपके सामने इस स्ट्रीम कर रहे हैं। और एक मैसेज हम जरूर लेना चाहेंगे एक ऐसे युवा कलाकार का जो कि पंजाब से हैं, जलंधर से हैं और दुनिया भर में अपने गायकी के लिए बड़े मशहूर हैं और युवाओं की धड़कन कहलाते हैं, डॉक्टर अनादि मिश्रा। डॉक्टर अनादि मिश्रा जी से हम कहेंगे कि आप एक मैसेज जरूर और एक छोटा सा कुछ गुनगुना के भी दिखाइएगा। आपकी जो एपिसोड हुई थी बोलते हैं बड़ी खूबसूरत हुई थी, तो आप अपना मैसेज प्लीज दीजिएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी, मैं अनादि मिश्रा और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें मेरे फेवरेट और सबके फेवरेट सैमसंग डेविड सर को। सर आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि बोलते आईने का सेकंड एनुअल सेलिब्रेशन जो है वो 14th अप्रैल को हो रहा है 7 PM ऑनवर्ड्स। सो आप सब ज्वाइन कीजिए यूट्यूब चैनल पर उनके। एंड डेविड सर, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ एंड हमेशा आप ऐसे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। एक गाने की लाइन मैं जरूर गाना चाहूँगा तेरे मुख विचों यार होवे रब दा दीदार, तेरे मुख विचों यार होवे रब दा दीदार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनादि मिश्रा जी फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। और अब दोस्तों हम एक ऐसी शख्सियत को प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें अभी रिसेंटली उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का अवार्ड मिला है संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से। कोलार एक जगह है कर्नाटक में, वहां पर आप इस वक्त शायद मौजूद लग रहे हैं मुझे, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें क्योंकि आपने भी बहुत ही अच्छी एपिसोड आपकी हुई थी बोलते हैं यूट्यूब चैनल पे, अपना एक छोटा सा मैसेज और कुछ ऐसा कुछ प्रस्तुत भी कीजिएगा। वसंत साहब आप तो बड़े क्रिएटिव हैं और आप कुछ भी किसी भी वक्त जो दर्शकों की मनपसंद चीज है उसको पेश करते हैं, तो प्लीज डॉक्टर वसंत साहब आप जुड़िए प्लीज। यूं ही पहलू में बैठे आज जाने जिद ना करूं। नमस्कार, आई एम डॉक्टर वसंत किरण, अ प्रैक्टिशनर ऑफ कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। बोलते आईने के ये दो साल मुकम्मल करते हुए ये जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये बहुत खुशी की बात है। बोलते आईने जो जैसे आप जानते हैं कि ये हर शुक्रवार संगीत, नृत्य, नाटक और अनेक शैली में से जो बड़े बड़े हस्तियां होते हैं देश में उनकी इंटरव्यूज़ और उनकी जानकारी के बारे में इतनी अच्छी एक प्रोग्राम बनी है जो हमारे डॉक्टर सैमसन डेविड सर ने इसकी एक पूरी खरीदारी की है। फॉर दिस लीडरशिप दैट ही इज टेकन अप, दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉडेबल प्रोग्राम and I congratulate the entire Bolte Aine team and I'm also proud to have been part of this celebration. This is definitely a great repository of research and about the details of so many artists which I am sure even government does not have this. To the entire team of Bolte Aine I once again congratulate aur mujhe behad khushi ho rahi hai ki hum iske baaghi hain aur hum aur बोलते आईने के और बड़े बड़े महान हस्तियों के लिए हम आगे इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। बहुत खूबसूरत डॉक्टर वसंत किरण साहब, आपने जो कमाल कर दिया कि देखिए आप कुचिपुड़ी और
भरतनाट्यम के प्रैक्टिशनर हैं, डांसर हैं, लेकिन आपने जो उर्दू की गजल जो पेश करी और उसका प्रेजेंटेशन करा के आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, क्या कमाल है, एक नई चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप आपके इस मैसेज के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। दोस्तों, ये हमारे आखिरी लम्हात हैं आज के सेलिब्रेशन का, जो कि टू ग्लोरियस ईयर्स ऑफ बोलते आने यूट्यूब चैनल के जो हैं। इस वक्त सीधे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित अभीक सरकार जी। अभीक सरकार साहब एक बहुत मशहूर सरोद वादक हैं और पूरी दुनिया में आपके प्रोग्राम होते रहे हैं। आइए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अपना पैगाम दें, और इस आखिर में जब इख्तिताम पे पहुंच गए हैं हम और इसको वाइंड अप कर रहे हैं शो को, ये लाइव शो आपके तमाम दर्शकों ने जो सराहा और देखा और आप जुड़े रहे, आपका बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। पंडित अभीक सरकार जी, आप अपना संदेश दीजिए और साथ में गुजारिश करेंगे कि आपने बोलते आने यूट्यूब चैनल पे जब आपकी प्रस्तुति हुई थी तो बहुत खूबसूरत बजाया था, तो आज के शाम को जाते जाते आप अलविदा कीजिए अपने बेहतरीन जो कि सरोद के सुर हैं उनसे भी, पंडित अभीक सरकार। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है कि बोलते आईने एनुअल फेस्टिवल का सेलिब्रेट करने जा रहा है। बोलते आईने डॉक्टर सैमसन डेविड जी का प्रयास है, क्रिएशन है, जो कि बहुत पॉपुलर हो चुका है, लोग काफ़ी सुन रहे हैं इसको। मेरा हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं डॉक्टर सैमसन डेविड जी को। मैं आज राग दरबारी कानाडा का एक कंपोजिशन पेश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अभीक सरकार साहब के सदन,
बहुत ही खूबसूरत आपने सरोद तो बजाया ही, लेकिन आपके जो कि मैसेज है उस मैसेज के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तो ये था आज का हमारा एक लाइव शो जो कि बोलते हैं यूट्यूब चैनल की तरफ से। मैं आपका दोस्त सैमसन डेविड आपके साथ रहा। पूरे बोलते हैं यूट्यूब चैनल की टीम को एक बार फिर से आए उन तमाम अपने साथियों की तरफ से एक मुश्तरका मेरा बहुत बहुत नमस्कार सलाम। आप जुड़े रहिएगा बोलते हैं यूट्यूब चैनल के, और दो साल जो हमने बिताए हैं और हिंदुस्तान का जो म्यूजिकल सरमाया है, बल्कि म्यूजिक ही नहीं डांस है थिएटर है, और हमारे जो कि लेक्चर्स रहे हैं एजुकेशनल और कल्चरल वैल्यूज पे ह्यूमन वैल्यूज पे, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की वो एक तरफ से मैसेज गया है हार्मनी का, पीस का, जॉय का। इन तमाम बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप बहुत बहुत नमस्कार करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच। बोलते आईने, बोलते आईने।